So Faizan, you're going back home for a month. Yeah, finally. Yeah. I'm very excited to meet my family and friends. I mean, it's been a year now. Send my best wishes to them. I will. See ya then. Thank you. See you. Thank you. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फैजान बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? ये बताओ कि कब आ रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बस मिस्टर रांदरे के साथ आखिरी फ्लाइट करके आ रहा था। अच्छा लिसन, मेरी कल की सीट कंफर्म हो गई है, मैं कल आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, खैरियत से वापस आओ, खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश क्यों ना हूँ, पूरे एक साल बाद मेरा बेटा जो वापस आ रहा है। वैसे बेटा तो हम दोनों का है। क्या बताऊं अम्मी, मिस्टर आंद्रे कभी किसी मुल्क में तो कभी किसी मुल्क में। इन फैक्ट ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू प्लेन, और उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे नेक्स्ट मंथ वापस जाना है। बट डोंट वरी, 6 महीने में मैं आप लोगों को वहीं बुला लूंगा, फिर सब साथ ही रहेंगे। मगर इस बार दुल्हन हम लोग साथ ही लेकर जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी से दुल्हन तलाश कर लेनी चाहिए। अच्छा इमरान, चल मेरी शादी तो 6-7 महीने में हो जाएगी। सारा से कब शादी कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ दोनों की शादी एक साथ ही कर देनी चाहिए। अरे आंटी रहने दें, पैसे बचाएं, इस नालायक से शादी कौन करेगी? यार राइट, नालायक। हाँ, स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था मैं, याद नहीं है तुम्हें? और सबका फेवरेट भी था, खुद नालायक थे तुम। सारे पेपर्स में मेरी चीटिंग किया करता था ये। भाई इस बात की गवाही तो मैं भी दे सकती हूँ। किस बात की गवाही आंटी? तुम्हारे नालायक होने की। मैं तुम दोनों की टीचर जो थी। ठीक है आंटी, आप कह रही हैं तो मैं मान रहा हूँ, वरना मैं इसकी बात नहीं मानने वाला था। देखा सारा, मनवा लिया ना इसे। अब ये मैजिक हमें भी सिखा दो कि अपनी बात अपनी मम्मी पापा से कैसे मनवाई जा सकती है। औलाद अपने माँ बाप से सब कुछ करवा सकती है, और माँ बाप अपनी औलाद की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेटा जब तुम सब लोगों की औलाद होगी ना, तब तुमसे पूछूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओह, वी आर गेटिंग लेट, हम निकलते हैं। आप फैजान याद है ना, आज रात को तनवीर की मेहंदी है, 10 बजे मिलते हैं। आई विल बी रेडी। ओके या बाय बाय। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया ना। अरे कहां, 6 किलो वेट मैंने पुट ऑन कर लिया, कह रही हूँ दुबला हो गया। अरे ये तो बताओ के वहाँ पे क्या कर रहे हो आजकल यार तुम? सब कैसे बता दूँ इनको मैं। साले पिंकी, अपना दुपट्टा संभालो। सिलिकॉन। हेलो क्यूट, हाउ आर यू? Hi. Meet my friend, Faizan. Hello. How are you? Hi, I'm good. How are you? Much better now. Nice to meet you, handsome. वैसे ये क्या करते हैं? Faizan ग्रीस में प्राइवेट कंपनी में पायलट है क्यों? फिर तो बहुत झटके देते होंगे। जी?
वो एयर पॉकेट की वजह से आ जाते हैं। विटी, आई लाइक विटी। ये क्या करते हैं? क्यों, बहुत अच्छा वीडियो डायरेक्टर है और रिसेंटली इसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा हिट भी हुई है फैजान। नाइस, तो क्यों, ये आपका नाम है या प्यार से कहते हैं आपको? प्यार से। दरअसल मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम कदीर रखा था, अब्दुल कदीर, नॉट डॉक्टर बट डायरेक्टर कदीर। पर मुझे यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने अपना नाम क्यू रख लिया। यू नो क्यू, शॉर्ट स्वीट एंड सेक्सी। अच्छा क्यों? वो तनवीर नजर नहीं आ रहा जिसकी मेहंदी है, वो कहां पर है? ओ दे आर ऑल इन द लॉन। कम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फैमिली। आइए चलें। ये आजू और मेरे पेरेंट्स हैं, मॉम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फैजान है, पायलट है, ग्रीस से आया है। ये है मेरी खाला और ये है मेरे खालू। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर के पेरेंट्स। तनवीर, हाय। तनवीर, आरजू और मेरा कलम जिसकी आज मेहंदी है। अरे कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बेटे आप लोग चलें खाना लें। जी श्योर, प्लीज कम। आप लोग खाना खाइए, मैं दो मिनट में आया। ये क्या चीज है भाई? ये ऐसी फिल्म है अजीब सी, छोड़। लगता है इसके फ्रंट व्हील्स खुले नहीं है अभी तक। और ये क्या नाम ले रहा था बार बार आरजू? आरजू कौन है? बहन है इसकी और मेरी फ्रेंड है। आरजू जल्दी करो, सारे मेहमान आ चुके हैं। All right, my princess. Don't be late. Come straight to the marquee. I need to wash hands. Straight ja or right ho ja? Yahan straight ja ke right. हाँ. अरे यार, ये पाकिस्तान आते ही लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। कौन है? Of course, it's me. फैजान, तुम जल्दी से marquee में पहुंचो। हाँ, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो घड़ी आन पहुंची है जब यहाँ लड़के और हम लड़की वालों के बीच फैसला होगा। जी जी, फरमाइए। अब आपकी पार्टी और हमारी पार्टी में मुकाबला होगा डांस का और चैलेंज का। अगर हम जीते तो आपको हमें डिनर कराना होगा, वो भी हमारी मनपसंद जगह पर। और अगर आप लोग हारे तो तब भी आप ही को डिनर देना होगा। अच्छा, तो आप में ऐसी क्या खास बात है भाई कि हार भी आपकी और जीत भी आपकी? इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, तुम भी राजी और हम भी राजी। मैं हादसों को अजीब मुश्किल में डाल देता हूँ, सफर से पहले ही सदका निकाल देता हूँ। तुम अपने घर के चांद हो, हम अपने घर के चांद। ब्यूटीफुल सारिया मुंडा दिया सारिया मारो मेरे सारी।
फैजान। हाँ पता किया? हाँ तो बोल ना यार, वो तेरी अप्रोच से बाहर है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उसकी बात पक्की हो चुकी है, छोड़ जिद ना कर, दफा कर। अबे तो बात पक्की हुई है ना, कोई शादी थोड़ी हो गई है। क्या मतलब? मैं तेरी बात नहीं समझा। तू समझेगा भी नहीं, मैं 32,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा हूँ और अभी तो फिल्म शुरू हुई है मेरे दोस्त। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ तेरा दोस्त हूँ, तभी तो तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ ना। यार मेरा एक काम कर दे। यार अब क्या करना है बता। तू सिर्फ ये पता कर दे कि उसकी बात पक्की उसके माँ बाप की मर्जी से हुई है या उसकी अपनी मर्जी से। यानी कि तू भास नहीं आएगा? हाँ यार इतना छोटा सा काम है, कर देना भाई। अच्छा यार ठीक है, कर देता हूँ मैं। देख यार सुबह हो गई है, भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई, सारा भी नीचे खड़े हुए इंतजार कर रही है। देख यार पूरियों वाला आ गया, चला ना नाश्ता करते हैं। चला। हाँ इमरान क्या बात है, तुमने बुलाया मुझे? बैठो। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ आज तुम क्या खाओगी और क्या पियोगी? क्या बात है, आज बड़े मेहरबान हो रहे हो मुझ पर। हो रहा हूँ तो फिर? कोई वजह? सबसे पहली वजह तुमसे प्यार और दूसरी वजह तुमसे दोस्ती। मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार वो फैजान। क्या हुआ फैजान को? वही वही क्या? इश्क जो मुझे तुमसे हुआ था। किस खुश नसीब के साथ? क्योंकि सिस्टर आरजू के साथ। आर यू क्रेजी, आरजू की तो बात तय हो चुकी है। देखो सर अब तुमने जो कुछ भी करना है ना सिर्फ मेरे लिए कर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। लव यू। लव यू टू। आरजू आरजू। हेलो प्रीटी, हाउ आर यू? हेलो, मैंने कहा कैसी हो? सॉरी यार, म्यूजिक की वजह से पता ही नहीं चला तुम कब आई। आज के इस दौर में बंदा काम टाइम पास करने के लिए करता है। यू आर सो प्रोफेशनल। इंसान को इतना भी प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए यार, संडे को भी काम। तुम नहीं जानती सारा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर इसी प्रेजेंटेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट मेरी एजेंसी को मिल जाता है, तुम्हें नहीं पता ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी और इसी वजह से मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। ऐसी अचीवमेंट और प्रमोशन का क्या फायदा यार? हाँ मेरी जान, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी तो बात तय हो चुकी है ना। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने अली को प्रपोज किया था या उन्होंने तुम्हें? किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया था स्वीटहार्ट, और सारा तुम्हें तो पता है अली डैड के क्लोज फ्रेंड का बेटा है, अमेरिका में उसका बिजनेस है। मॉम डैड को लड़का पसंद था तो मैंने भी हाँ कर दी। अच्छा। सारा तुम्हें इमरान के सर की कसम है यार, प्लीज अब तो बता दो। देख फैजान तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तुझे बता रहा हूँ 95% औरतें अपने होने वाले शौहर के सर की झूठी कसम खाती हैं। अच्छे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन फेथ और ट्रस्ट का होता है, तुम्हें मुझ पे इतना भी एतबार नहीं है, तुम शादी के बाद क्या करोगे? यार मैं यहाँ अपना दुखड़ा लेकर बैठा हुआ हूँ, तुम दोनों अपनी बातें किए जा रहे हो। इमरान तू मेरा दोस्त है ना? ऑफ कोर्स। अब चुप करके बैठना, कुछ नहीं बोलना। हाँ सिद्रा क्या कह रही थी तुम? सिद्रा नहीं सारा फैजान। अरे वही सारा, मुँह से निकल जाता है बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है यार। यहाँ मेरी क्रैश लैंडिंग होने वाली है, तुम बता ही नहीं रही हो। तो फिर तैयार हो जाओ। क्रैश होने के लिए? नहीं अटैच होने के लिए। आरजू के दिल का रनवे एकदम खाली है, आप जब चाहे लैंड कर सकते हैं। कहाँ रह गई है यार? अभी आ रही होगी ना। आरजू तुम क्या खाओगी? सिंगा। और सारा तुम? फैजान मर गया यार। क्या हुआ? अरे सारा भी साथ आ गई है। ओ तो तुम बैठो, हम ऑर्डर देकर आते हैं। चलो। वो दोनों ऑर्डर दे रहे हैं। आरजू बिल्कुल अकेली है। इससे अच्छा सुनहरी मौका और कोई नहीं मिलेगा। जा जाकर अपने दिल की बात कह दे। मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं निकलता हूँ। कहाँ निकलता कहाँ हूँ? कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्यों गड़बड़ होगी? अरे मेरा मतलब है कि उसे गुस्सा आ गया तो क्या करूंगा मैं? प्यार भी करता है और डरता भी है।
बी ब्रेव, जा जाकर अपने दिल की बात कह दे, जा। अरे जा ना, जा। एक मिनट, I just forget to tell you, I want to have some drink. मुझे मेरी ड्रिंक दे दे, प्लीज। तुम लोग ऑर्डर करो, I'll go and have my drink. जब से आपको देखा है मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई है। आप इस कदर खूबसूरत हैं कि मेरे पास आपकी खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। आपकी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं। आपकी जुल्फें गहरी शाम के बादलों से भी ज्यादा गहरी हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई हूर उतर कर जमीन पर आ गई हो। आपके होंठ, आपकी चाल, आपकी हर एक अदा, आपने मुझे दीवाना बना दिया अपना। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं आपको कितना चाहने लगा। अगर आप मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी तो शायद मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। क्या हुआ, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। ने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसने जब मेरी आंखों की तारीफ की तो मुझे लगा जैसे मेरी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हो। वो खुशनसीब है कौन? फैजान। यू मीन इमरान का दोस्त जो पायलट है? हाँ, लगता है वो मुझे असंत करने लगा है। मुबारक हो सर। How lucky I am। अबे और कितना ठूसेगा? क्या मेरी जान पर बनी हुई है और तू खाए जा रहा है यार? अगर तूने गलती से भी आरजू को बता दिया कि मैंने उसे प्रपोज किया था तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। देख मेरे दोस्त, अभी तो लव वन साइडेड है, तेरी स्टोरी में आगे क्या क्या सीन क्रिएट होते हैं ये आगे जाके पता चलेगा। आप मेरी लव स्टोरी पर रोशनी डालने के बजाय ये सोचे कि आरजू के दिल में जगह कैसे बनानी है। बात तो सोचने वाली है। तो फिर सोचो ना यार। आया कोई आइडिया? नहीं। तुम रहने ही दो यार, मैं खुद ही सोच लेता हूं। सोचा? नहीं, मैंने सोच लिया। क्या? देख, लोगों की तो आधे घरवालियां होती हैं ना, तेरा तो आधे घरवाला भी है। मेरा मजाक का मुंह नहीं है, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। देख, आरजू को अगर बोतल में उतारना है ना तो क्यू को तो हाथ में करना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, तेरा ये दोस्त तेरे लिए आगे क्या क्या करता है वो तो देख। चला बैठ खा। सर, वो आपसे इमरान और फैजान मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। ओके सर। हाय। हेलो क्यू। वेलकम टू माय हम्बल अबोड। थैंक यू।
तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? जी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं एक्चुअली आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा था। मैं तो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जी क्यों मजाक छोड़ो ना, फिजान बताओ ना बात क्या है, वो बात करो। हाँ एक्चुअली 3 पुराने गाने मैंने सिलेक्ट किए हैं और मैं अपनी आवाज में उनको रिमिक्स करना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी म्यूजिक वीडियोस बनवानी है एंड आई वांट यू टू डायरेक्ट द वीडियोस। मगर उन गानों की मार्केटिंग कौन करेगा? हाँ मार्केटिंग कौन मतलब? आरजू। और कौन? आरजू ऑफ कोर्स। अच्छा तो बस आप बजट की फिक्र ना कीजिएगा, जितने पैसे लगे लगा दीजिएगा, मुझे आप पर भरोसा है। ऑफ कोर्स, आजकल के दौर में पैसा तो हर चीज पर खर्च होता है, पर तुम्हारा काम मैं कम में कर दूंगा। जी थैंक यू। तो फिर उनके साथ मीटिंग के लिए कब आए? लगता है बहुत जल्दी में हो, तो कल मिले डिनर के बाद। मैं आरजू से मीटिंग की बात कर रहा हूँ। आरजू? हाँ हाँ, तो कल मिलते हैं 4 बजे आरजू के ऑफिस में। ओके कल शाम 4 बजे। कौन से फोल्डर में है? लव। क्या? आई एम सॉरी, डी ड्राइव में लव के नेम से एक फोल्डर है। ओ ये क्या है? क्या? आई एम सॉरी, ये नहीं था। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, What is this? Oh, sorry, sorry, sorry. Next, next. या है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, भूल कर लो। Stop it! Bunch of idiots. चली गई? हाँ। शुक्र है। वैसे आरजू दिल की बुरी नहीं है, तुम लोगों का काम हो जाएगा। ऐसा करते हैं अब थोड़ा काम पर आते हैं। ये बताओ तुम्हें गाना आता है? मुझे? हाँ, इसकी एक ही तो आरजू है। फैजान रेडी स्टेडी गो। रंजिश है दिल ही दुकान। सुर में गाओ फैजान। क्या? ओ गॉड, ए मैनू ले डुबेगा, पर एनू पता नहीं मैनू ले डुबांगा। रंजिश है दिल ही दुखा। काट काट फैजान, तुम गाना गा रहे हो या गधे बुला रहे हो? तुम तो खुद आए हो। शट अप। तुम्हें गाना बिल्कुल नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूं कि गाना कैसे गाते हैं। तुम्हें बाहर होते अखलड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी, मसाले ये अजदा है। आपने बुलाया सर? बैठो। थैंक यू। वेल डन आरजू, इंसान की लगन सच्ची हो तो मंजिल पा ही लेता है। जैसे तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से आज हमारी एजेंसी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। थैंक यू सर। ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर। ओह रियली? वाह,
Thank you so much. I wish you all the best. Thank you so very much, sir. ये आपकी फाइल। Thank you. Hello, Arzu. कैसी हो? Hi, Sarah. I'm good and I'm very happy today. Really? ऐसा क्या हो गया है? मेरा ड्रीम पूरा हो गया है सारा, मेरी प्रमोशन हो गई है। वाओ, मुबारक हो आरजु। इसका मतलब है अब आपसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब तो ट्रीट बनती है। नहीं बन सकती बेबी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? इतनी स्टिफ क्यों हो? बॉडी में लचक लेकर आओ, लचक लेकर आओ। बॉडी में लचक नहीं होगी तो गाना हिट नहीं होगा बेबी। ओके, गॉट इट। वी ट्राई इट अगेन। चले, लेट्स डू इट अगेन। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। रंग में मैं आरजू, तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं काम कर रहा हूँ। मुझे जरूरी बात करनी है। वन मिनट, चलो। What's wrong, आरजू? इमरान के दोस्त फैजान को समझा दो। क्या हुआ फैजान को? मुझे तंग कर रहा है। वो तुम्हें तंग कर रहा है? मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ पीछे पीछे आ जाता है। कई दिनों से तंग कर रहा है। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर जाऊँ और सीन खराब हो जाए। नहीं, तुम रिलैक्स करो आरजू, डोंट वरी। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं अभी ये शॉट कराकर इमरान के पास जाता हूँ। मैं इमरान से बात करता हूँ। ओके, यू गो होम, गो। हाय, क्यों मुझे क्यों बुलाया भाई? अगर बुलाया तो मुझसे बात तो करो, बताओ क्या बात है। इमरान, हम बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई क्लैश हो। किसकी वजह से? तुम्हारे उस दोस्त फैजान की वजह से। क्या किया है फैजान ने? क्या किया है ये पूछो कि क्या नहीं किया है। वो हाथ धोकर मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। और बाय द वे, आरजू ने इस बात का शदीद गिला किया है मुझसे। इमरान, मैं तुमसे कह रहा हूं, समझा दो उस फैजान को। देखो, फैजान की तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूं। I will talk to him. Please, तुम नाराज नहीं हो। देखो, we are best friends ना? तो क्या बात करनी थी तुम्हें? क्यों आया था? तुम्हारी कंप्लेन कर रहा था मुझसे। देखो फैजान, आरजू को भूल जाओ तुम। वो तुम्हारी जिंदगी का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकती। नहीं, इमरान, इस रास्ते पर मैं इतना आगे निकल आया हूं कि वापस जाना मेरे बस में नहीं है। बच्चों वाली बात मत करो, बात को समझने की कोशिश करो यार। बात समझनी नहीं है, अब बात अब आरजू को समझानी है। उसे बताना है कि उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। वो कभी नहीं समझेगी फैजान, मैं आरजू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी दोस्त मुझे नहीं जानती है। देखो, वापस मैंने वैसे भी चले जाना है, लेकिन मैं अपने दिल की बात
आरजू को बता के ही जाऊंगा। आरजू, एक्सक्यूज मी प्लीज। बेसिकली ये जो पॉइंट है। जी फरमाइए। कैसी हो? ठीक। शायद मेरी बातें तुम्हें अजीब सी लगे, लेकिन हकीकत यही है। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी रूह ने मेरे वजूद का साथ छोड़ दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारी कहीं और बात पक्की हो चुकी है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। आरजू, मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा खुद को अगर तुम मेरी बन जाओ। देखो फैसान, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हैंडसम हो, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, अच्छे प्रोफेशन में हो। तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी वो फखर महसूस करेगी। आरजू, मैं किसी और को नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। सॉरी फैसान, मैं अपने पेरेंट्स के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, और यही उम्मीद करूंगी आज के बाद तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। टेक केयर। Don't worry, relax. He's out of danger. He's fine now. तुम फिकर ना करो, he's fine now. ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब कुछ हुआ कैसे? वो शफकत अंकल है, उनकी बेटी है आरजू। फैजान उसे बहुत पसंद करता है। कोई बात नहीं,
हम अपने बेटे के मुस्तकबिल और जिंदगी के लिए आरजू के माँ बाप से बात जरूर करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शफका साहब, समदानी बोल रहा। वालेकुम अस्सलाम समदानी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, फरमाइए। शाम को आपके साथ चाय पीनी है और एक जरूरी बात करनी है। जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, तशरीफ लाइए, हम चाय पे आपका इंतजार करेंगे। अब कैसी तबीयत है फैजान की? जी बहुत बेहतर है। समदानी साहब, आप कोई जरूरी बात करना चाह रहे थे मुझसे, फरमाइए। जी वो फैजान हमारा बेटा है, पायलट है। जी जी मैं जानता हूँ। ग्रीस की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, $35,000 तनख्वाह है उसकी। माशाल्लाह। लेकिन ये सब कुछ आप मैं क्यों बता रहे हैं? वो हम फैजान के लिए आरजू के रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। समदारी साहब, माशाल्लाह जिस खानदान से आपका ताल्लुक है उस खानदान से रिश्ता जोड़ते हुए किसी को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि आरजू की बात हम कहीं और तय कर चुके हैं। खैर, वो फैजान आरजू से बहुत प्यार करता है, उसके लिए उसने अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दी। प्लीज, अभी तो सिर्फ बात ही हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आरजू को फूलों की तरह रखेंगे। लेकिन हम मजबूर हैं। हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए थे। समदानी साहब, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आरजू की बात जहाँ तय हुई है उसकी शादी भी वही होगी। प्लीज कुछ लीजिए ना। आरजू, आई होप ही इज फीलिंग बेटर। आई होप सो। हेलो, फैजान कैसा है? नाउ ही इज बेटर। हम उसके लिए फूल लाए हैं। थैंक यू। आई थिंक नाउ वी शुड डू समथिंग। यस, यू आर राइट। अब हमें ही आरजू के घर वालों को यकीन दिलाना होगा कि फैजान से अच्छा जीवन साथी आरजू को और कोई नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? आपने मुझे बुलाया। हाँ, ये कुछ कहना चाहते हैं, तुम बैठो। जी जी बैठिए। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हो? अंकल, मेरा दोस्त फैजान बहुत अच्छा है और वो आरजू को इतनी हद तक मोहब्बत करता है कि वो उसके लिए अपनी जान पर भी खेल गया है। बेटा, इस टॉपिक को अगर हम लोग ड्रॉप कर दें तो बेहतर होगा। फैजान के रिश्ते के लिए उसके माँ बाप आए थे हमारे पास, लेकिन हमने मना कर दिया, हमारी कुछ मजबूरी है। इस रिश्ते से इनकार फैजान के साथ ज्यादती होगी अंकल। और हम ये ज्यादती नहीं होने देंगे। आपको पता है आरजू को पाने के लिए फैजान ने क्या कुछ नहीं किया? उसका ख्वाब पूरा करने के लिए फैजान ने जो किया है ना, वो शायद ही कोई करेगा। कौन सा ख्वाब? आरजू की जिंदगी का ख्वाब था कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अपनी एजेंसी को लेकर दे, और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आंटी। और आरजू को ये मकाम फैजान की वजह से ही मिला है, क्योंकि उस कंपनी का कंट्री हेड फैजान का क्लोज फ्रेंड है। थैंक यू।
ऐजान, I'm really sorry यार, हमने शफकत अंकल और आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो माने ही नहीं। ये सारी किस्मत की बातें होती हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं आरजू को कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब ये कि आरजू के इनकार के बाद मेरा जो थोड़ा बहुत चांस बना था वो भी खत्म हो गया। क्यों, तुम जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आई एम सॉरी यार, हमने बहुत सताया तुम्हें, हो सके तो हमें माफ कर देना। अच्छा फैजान, ये बताओ कि तुम पाकिस्तान वापस कब आओगे? तुम्हारी शरारतों को बहुत मिस करूंगी। वापस आने का आई कांट से एनीथिंग एट द मोमेंट। तुम इसका ख्याल रखना और इसे खुश रखना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। रूह के बगैर वजूद कहीं नहीं जा सकता फैसा। मैं जहां भी रहूं बस तेरा ही रहूं, यही आस रखूं तेरे पास रहूं। तुझ पे है यकीन मैं हूं या नहीं, मुझ में ही कहीं मौजूद है तू, मौजूद है तू। चले तो वजूद है तू, दिल धड़के तो वजूद है तू, ख्वाब खिले तो वजूद है तू, ताबीर मिले तो वजूद है तू।
निगाह उठी तो तुझ पे रुकी, तेरे संग धड़कने लगा दिल, फिदा हुआ तुम पे मर मिटा के, तू ही है इश्क के काबिल। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मगर होना तुमसे जुदा नहीं। चले तो वजूद है तू, दिल धड़के तो वजूद है तू, ख्वाब खिले तो वजूद है तू, ताबीर मिले तो वजूद है तू। ड्रामा है भाई, कहाँ जा रहे हो दुल्हे मियाँ? आप अंदर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तुम लोगों को क्या चाहिए? हमें कॉसमो का ट्रिप चाहिए और 5-स्टार होटल में स्टे चाहिए और ऑल पेड फॉर चाहिए। यस। बस। हाँ बस। ओके डन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो क्यों गाइस, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। और अगर वादा पूरा ना किया तो तोड़ दिया जाए। चलो, गुड लक। गुड लक। बाय। बाय। जिंदगी की वाहिद आरज़ू थी, आज पूरी हो गई। वजूद और रूह की जा इंसान से कुछ भी करवा देती है। फैजान,
खिड़की बंद कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है। श्योर। First and last love. देखो कितना अच्छा लग रहा हूं मैं तो हमेशा से कहता हूं यू आर वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड। कहीं तुम वो समझ के तो तारीफ नहीं कर रहे? वो क्या साला? ओ शट अप इमरान, ब्रदर इन लॉ बोलो। दिस साला वाला साउंड्स टू ऑकवर्ड। हाँ अरे नहीं, क्यों, तुम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे जान सर, कुछ मेहमान आए हैं बाहर से। कौन है सर? वो कह रहे हैं टर्की से आए हैं। टर्की से आए हैं? हाय सर। हेलो। हाय। हेलो। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। यस माय नेम इज आइज़क। मेरा ताल्लुक JF ग्रुप टर्की से है। हमारे ग्रुप ने रिसेंटली एक जेट खरीदा है जिसके लिए हमें आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। मेरी सर्विसेज चाहिए? बट आई एम ऑलरेडी वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी और मेरी बहुत अच्छी जॉब है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि मेरी सैलरी वहाँ पे $35,000 है। हमारा ग्रुप हैरान नहीं होता, बल्कि हैरान करता है। इस सैलरी को आप डबल समझें, $70,000। What? ये रहा आपका एग्रीमेंट और इसमें तमाम फैसिलिटीज की डिटेल्स लिखी हैं। बट मैंने अपना बायोडाटा तो कहीं सेंड ही नहीं किया, इस एग्रीमेंट में कैसे आया? JF ग्रुप जब किसी को अपॉइंट करता है तो उसका बायोडाटा पहले से ही हमारे पास मौजूद होता है। आई एम श्योर यू विल नॉट रिफ्यूज दिस ऑफर। Well, I need some time to think. Okay, no problem. We'll come back tomorrow. Sure. Bye. इसको तो देखो क्यों को कितना खुश हो रहा है। कौन थे फैजान? I don't know. किसी टर्किश कंपनी से आए हैं। मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं और सैलरी कह रहे हैं $70,000। वाओ, $70,000। वाओ, देखा फैजान, मेरी सिस्टर तुम्हारे लिए कितनी लकी है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरे बेटे को। बेटा, ऑफर तो बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हें काम करने की तो कोई जरूरत नहीं, अपने शौक की वजह से तुम कर रहे हो। इट्स अप टू यू, गो अहेड। सोच क्या रहे हो? पढ़ो और साइन करो। और हाँ, कहीं $70,000 के चक्कर में मुझे भूल ना जाना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर साइन नहीं करता। मजाक कर रही हूँ, साइन करो। इसका मतलब ये कि अब तुम दोनों का हनीमून टर्की में होगा।
वेलकम टू जेएफ इंटरनेशनल। दिस इज योर सिटिंग एरिया एंड दिस इज योर टाइम टेबल। वेरी नाइस, प्लीज फॉलो मी सर। And this is your bedroom. Nice. Please follow me, sir. और ये रहा आपका वार्डरोब। यहां पे आपका यूनिफॉर्म और सारे कपड़े हैं। Okay, but where did you get my measurements from? JF International जब कोई काम करते हैं तो उनके पास पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। आइए सर। या ये रहा आपका इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड, आपका फोन और टर्किश ए ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे एक्सटेंशन 220 पे कॉल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। आपके सीईओ से मेरी मुलाकात कब होगी? वो हम आपको बता देंगे। एंजॉय योर स्टे। हाँ आरजू, फैजान। फैजान आप पहुंच गए? हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। तुमने तो कमाली कर दिया, तुमने जाते ही वहाँ सिम भी ले ली। और देख लो सबसे पहली कॉल तुम्हें ही की है। मुझे कब तक बुलाओगे? बस यार आज सीईओ से मुलाकात है मेरी, उससे मिलकर डिस्कस करता हूँ कि तुम्हें कब बुलाना है। अच्छा, मेरी याद आ रही है? याद तो उनकी आती है जिन्हें बुलाया जाए। तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा बन गई हो। अच्छा इंटरकॉम पे बेल हो रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। क्या बाय? यस सर, रात 8 बजे आपका सीईओ के साथ डिनर है, तैयार रहिएगा और आपका लगेज भी आ रहा है। ओके थैंक यू। सर ये आपका डिनर। आज रात का डिनर सीईओ की मशरूफियात की वजह से कैंसिल हो गया। कल सुबह सीईओ ने बिजनेस मीटिंग के लिए इस्तांबुल जाना है। गाड़ी आपको एयरपोर्ट ले जाएगी। गुड नाइट। मॉर्निंग। ये देखो उसने अपनी पिक्चर भेजी है, कितना हैंडसम लग रहा है ना। लुकिंग सो हैंडसम। हम भी भेजते हैं। लेट्स गो। Yes. Sorry sir, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। कल सुबह 10 बजे आपकी सीईओ से मुलाकात ऑफिस में होगी। थैंक यू सर।
Mr. Fazan has an appointment with the CEO. Okay. Please have a seat. You know, I always get what I want, right? Excuse me. Yes, sir? Who is she? She is Miss Jessica, CEO of this company. Hello. Hi, Fazan. Kaise ho? Main theek hu, tum batao ghar mein sab kaise hai? Ammi, baba. Sab theek hai. तुम सुनाओ, तुम्हारी मुलाकात हुई तुम्हारे बॉस से? नहीं, लेकिन आज जरूर हो जाएगी। मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। बाय। ओके बाय। I want to go in. You're not allowed. What do you mean by not allowed? I want to talk to her. No permission. Are you nuts? What do you mean by no permission? Baat karni hai mujhe usse. Mujhe nahi karni hai job. Let him come in. Okay, ma'am. Bulandi par khade hokar itna ghurur mat kijiye. Kya haq hai aapko kisi ko is tarah bulakar zaleel karne ka? किसी को बार बार तैयार करवाकर जगह जगह बुलाकर उससे ना मिलने का? हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं आपके पास जॉब करता हूं, आपका गुलाम नहीं हूं, और ना ही आपने मुझे खरीदा है जो मैं आपका हर हुक्म दाबे लाऊं। जब से आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, इंतजार इंतजार इंतजार, अब बस और इंतजार नहीं होगा मुझसे। इंतजार, इंतजार की शिद्दत क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये रहा इंतजार, एक मासूम लड़की के अरमानों का इंतजार, जो खूबसूरत तो नहीं थी मगर उसके अंदर की खूबसूरती को रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे गौर से देखो फैजान, मैं जैसी हूं तुम्हारी जैसे। जैसिका, इस ड्रेस को पहचानो, ये वही ड्रेस है जो तुम मेरे लिए बनवा के लाए थे। तुम तो 7 दिन का कहकर गए थे घर वालों को राजी करके तुमसे शादी करूंगा। 7 साल बीत गए और तुमने अपना फोन नंबर भी बदल दिया, मगर मैंने हार नहीं मानी फैजान। तुम्हारे वजूद को पाने की तिश्नगी ने मेरी रूह को इतना मजबूत कर दिया कि मैंने मिट्टी में भी हाथ डाला वो सोना बन गई। ये मेरा नहीं, उस इश्क का जुनून है कि आज मैं इतने बड़े JF ग्रुप की अकेली मालकिन हूं। अब तो तुम्हारे घर वाले ये नहीं पूछेंगे ना
कि जिस लड़की के माँ बाप का कोई अता पता नहीं, जो हॉस्टल में पली बड़ी हो, उसके कैरेक्टर की गारंटी कौन देगा? जैसिका, 7 सालों में इतना सब कुछ कैसे? हैरान हो रहे हो ना कि मैं इतने बड़े ग्रुप की मालकिन कैसे बन गई? मेरे पापा की जमा पूंजी इतनी नहीं थी जिससे मैं जिंदगी गुजार सकती। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उन पैसों को स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दूं, और मैंने कुछ शेयर्स खरीद लिए, और फिर ऊपर वाले ने मेरा ऐसा हाथ थामा कि उस छोटे से बिजनेस से मैं आज इतने बड़े ग्रुप की मालकिन बन गई। और ये सब कुछ सिर्फ मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। I can't live without you. Jessica, please. Jessica, I'm married now. तो क्या हुआ? हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। दुनिया में शादियां होती हैं, टूट भी जाती हैं। तुम भी? मैं भी क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कर सकते हो स्वीट हार्ट, कर सकते हो, करना तो पड़ेगा। और ये सब कुछ सिर्फ मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं। दुनिया में शादियां होती हैं, टूट भी जाती है, तुम भी, करना तो पड़ेगा 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 पड़ेगा। जानी, आजकल तो वीडियो डायरेक्ट करना भी किसी जहाज से कम नहीं है। इतने नखरे, बाल यू सीधे कर दो, बेस यू लगा दो। हेलो, हाय आशी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आरजू, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये बताओ फैजान भाई कहाँ है? फैजान तो टर्की में है, क्यों खैरियत है? कुछ नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी, सब खैरियत है। क्या हुआ आशी, बताओ प्लीज। आज मैं बाजार गई थी तो मेरी टक्कर एक लड़के के साथ हुई। उसकी शक्ल हूबहू फैजान भाई जैसी थी, साथ में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, मुझे लगा फैजान भाई है। What? अरे वो कोई और होगा, फैजान ऐसे नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। Yes, maybe you're right. तुम टर्की आओ तो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करना। Sure, take care, bye. Okay, bye. क्या हुआ आरजू, आशी से बात करने के बाद तुम परेशान क्यों हो गई हो? वो फैजान के बारे में कुछ बता रही थी। क्या हुआ फैजान को, खैरियत है? वो आशी कह रही थी कि उसने फैजान को किसी लड़की के साथ देखा है। हाँ? अरे उसे को गलत फहमी हुई होगी, फैजान ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैंने भी उसे यही कहा। ओ डार्लिंग, स्टॉप वरिंग, जस्ट कॉल हिम।
आरजू क्या हुआ? काट दिया। मेरे वजूद
हाँ? कंफ्यूजन है कुछ, और तुम कह रही थी कि वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा। जी आई थिंक यू शुड गो देयर। आई थिंक अंकल इज राइट आरजू, यू शुड गो देयर। यस Yes, madam. How can I help you? Hi, I would like to meet Faizan, please. He's gone for lunch with Madam Jessica. Oh, where have they gone? काटे जा रहे थे। अर्जू प्लीज बैठ के बात करते हैं। आप बीच में ना ही बोले तो बेहतर होगा। फैजान चलो मेरे साथ। अर्जू रिलैक्स, ये मेरी, ये तुम्हारी जो भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अर्जू लोग देख रहे हैं। फैजान इससे पहले कि मैं कुछ और कर जाऊं जस्ट कम विद मी। कम फैजान। फैजान ही इज माई हस्बैंड। फैजान दुनिया की कोई भी औरत अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती। आरजू जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो मेरी बॉस है यार। तो फिर मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक की, मेरी कॉल्स क्यों काटी? क्योंकि जब तुम मुझे कॉल करती थी तो मैं कॉल रिसीव करने की पोजीशन में नहीं होता था, कहीं ना कहीं बिजी होता था। ऐसा कौन सा काम था कि एक मैसेज तक नहीं किया जा सकता था? आरजू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? डोंट पिक अप द फोन। आई सेड डोंट पिक अप द फोन। आरजू आरजू प्लीज, हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं ना, एक दफा बात करने में क्या प्रॉब्लम? नो आरजू प्लीज, लास्ट टाइम। हेलो। हाँ फैजान, अब सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सब ठीक है। आरजू से मेरी बात करा। वो तुमसे बात करना चाह रही है। मुझे नहीं बात करनी। आरजू प्लीज प्लीज। आरजू हेलो। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? फाइन। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्ट करती। अच्छा सुनो, तुम दोनों मियां बीवी के ऑनर में एक छोटी सी पार्टी रखी है कल। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ज्वाइन करो प्लीज। मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवाना चाहती हूँ। या थैंक यू। बाय बाय। क्या हुआ?
I'm sorry, Faisal. I'm really sorry. Welcome. Welcome, Arzu. You both look so smart. Thanks, Jessica. I'm very happy. Tum dono mein jo galat fehmiyan thi, woh door ho gayi hain. Aao, main mehmanon se milwati hoon. Enjoy the party. Thank you. Go. I can't bear that. मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि तुम्हारे हाथ किसी दूसरी औरत के बदन को छुए फैजान. Jessica, for God's sake, she's my wife. No, Faizan. कुछ भी करो. I can't tolerate. तुम पागल हो गई हो क्या? Arzu, Mr. Douglas. Nice to meet you. Enjoy yourself, please. Sure. Come. Wow! ये घर किसका है फैजान? Surprise! और ये surprise हमें gift किया है मेरी boss Jessica ने. और साथ ही गाड़ी भी दी है. Really? What a beautiful house. और ये रही आपके इस beautiful house और गाड़ी की चाबियां. Thank you, फैजान. नहीं, अगर thank you कहना है ना तो जैसिका को कहो जिसने तुम्हारे आने की खुशी में ये सब कुछ दिया है. कमाल की औरत है जैसिका. ये रूप मैंने पहली बार देखा है किसी औरत का. थैंक यू फैजान, तुमने मेरी गलत फहमी दूर कर दी. तेरी बिन मरना ये मुनासिब
सोचा है किस बारे में? तलाक के बारे में और किसके बारे में? मैं तुमसे कह चुका हूं मैं तलाक नहीं दूंगा उसे, मैं तलाक दे ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं दे सकते? मेरा मतलब है हर किसी चीज का कोई ना कोई हल तो जरूर होता है। कैसा हाल? ये मैं नहीं कर सकता। करना तो पड़ेगा फैजान। हेलो। हाँ कहाँ हो? बाहर जा रही हूँ। अच्छा अर्जू, बी केयरफुल यार। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस हालात ठीक नहीं है ना आजकल। अरे फैजान, हम टर्की में हैं, पाकिस्तान थोड़ी। हाँ बट स्टिल बी केयरफुल। ऑल राइट, बाय बाय।
दुआएं दो मुझे जो तुम आज यहाँ मौजूद हो। अगर मैंने फैजान भाई को जैसिका के साथ ना देखा होता तो तुम यहाँ ना होती। और ये बताओ कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गई हो या नहीं? हाँ, फैजान पेपर्स तैयार करवा रहा है। तलाक के? आशी, तुम्हें पता है मेरी आदत है मजाक करनी। इट्स ओके यार, जिंदगी में मजाक भी होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें टर्की अच्छा लगा? आई लव इट। जब जमीन और आसमान एक होते हैं ना फैजान, तो वो मंजर देखने लायक होता है। बस किसी तरह बीच में से रुकावट हट जाए ना, तो हमारी जिंदगी हसीन हो सकती है। कैसे? ऐसा सोचना भी मत। सोचना तो पड़ेगा फैजान। या अल्लाह, कहां फंस गई हूं मैं? एक तरफ आरजू है जो मेरी मोहब्बत है, और दूसरी तरफ मेरा माजी। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शायद मुझे सब कुछ आरजू को बता देना चाहिए। आरजू, आरजू, तुमने मेरा फोन और पावर बैंक चार्ज पे नहीं लगाया यार। सो सॉरी फैजान, मैं तो भूल गई। और ये तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया है? कहीं जा रहे हो क्या? मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही थी। I'm sorry यार, हाँ जरा जाना पड़ रहा है, एक इमरजेंसी कॉल है। जैसिका आउट ऑफ सिटी जा रही है एक बिजनेस मीटिंग के लिए। मैं कल तक इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। हाँ, यू टेक केयर। आरजू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी? नहीं, लेट हो रहा हूं, कल करता हूं। टेक केयर। टेक केयर, बाय। हेलो। हेलो फैजान, कितनी देर में पहुंच रहे हो? हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं तुम्हें वहां पहुंच। अरे यार, इसे भी अभी ऑफ होना था। हेलो। हेलो आरजू, फैजान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, तुम प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। व्हाट? हेलो हेलो, फैजान का एक्सीडेंट हो गया। जैसिका का भी फोन आया था। बहुत कुछ। Oh my gosh.
ओके फाइन। सर, दिस इज ऑल द सीसीटीवी फुटेज एंड द मोबाइल डेटा ऑफ आर्ज़ू सिम गिवन बाय द मोबाइल कंपनी। ओह गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। थैंक यू सर। Can you bring me the file of that truck driver? Sure, sir. Good. स्पेशल इन्वेस्टिगेटर क्राइम डिपार्टमेंट। मिस्टर रॉक, आपको जो भी कहना है प्लीज जल्दी कहिए, मेरा टाइम बहुत कीमती है। जो चीज इंसान के पास नहीं होती वो कीमती होती है। जी। एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, गाड़ी नंबर 07ME54, आपकी कंपनी जेएफ की है? मिस्टर रॉक, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती हूँ, मेरे पास अनगिनत गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के नंबर की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं रखती। मेरे ऑफिस में एक अलहदा डिपार्टमेंट है, आप वहां जाएं और इन्फॉर्मेशन ले लें। वो तो इन्फॉर्मेशन मैं ले ही लूंगा, आपको सिर्फ ये बताने आया था कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो गाड़ी जो लड़की चला रही थी उसकी डेथ हो गई है और लाश बुरी तरह जल चुकी है, शनाख्त से बाहर है। आपकी तारीफ? ये मेरे पायलट हैं, पाकिस्तान से कुछ ही दिन हुए हैं आए इनको। ओह, शादीशुदा? नो, एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दिस इज माय बिजनेस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या किया जैसिका? वो मेरी बीवी थी, मेरी बीवी थी जैसिका। वो क्यों किया तुमने? बोलो क्यों किया तुमने? तो और क्या करती फैजान, तुमने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था। व्हाट? मैंने? हाँ तुमने, क्योंकि मैं तुम्हें जुनून की हद से ज्यादा प्यार करती हूँ फैजान। मगर तुम फिक्र मत करो, हम इस केस में नहीं फंसेंगे। हम नहीं जैसिका, सिर्फ तुम। फैजान, अब हम हर चीज में बराबर के शरीक हैं। तुम्हें पता है जेएफ का क्या मतलब है? जैसिका फैजान। पर अब हमारे पास इतनी दौलत है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐश से जिंदगी गुजार सकते हैं। उस ऐश का क्या फायदा जैसिका, जिसमें सुकून ही ना हो। डोंट टच मी। सॉरी फैजान, तुम्हें पाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। रूह के बगैर वजूद कहीं नहीं जा सकता फैसान। मेरी याद आ रही है, कहीं $70,000 के चक्कर में मुझे भूल ना जाना। We'll be right back.
लगता है किसी लंबे सफर पर जाने की तैयारी हो रही है। आपको बता के जा रहे हैं डिटेक्टिव रॉक? आपका भेजा हुआ $1 मिलियन मिला था, मैंने सोचा कि आपकी आखिरत अच्छी गुजर जाए, लिहाजा वो मैंने सारे पैसे गरीबों में बांट दिए। आपको एक आवाज सुनाना चाहता हूँ। हेलो, हेलो आरजू, फैजान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, तुम प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। व्हाट? हेलो, 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 आर यू रेडी? यस मैम। जैसा समझाया है वैसा करना। ओके मैम। ये आवाज मेरी नहीं है डिटेक्टिव रॉक, और आप इस दुनिया की किसी भी अदालत में ये साबित नहीं कर पाएंगे। सही कहा, आवाज तो किसी की भी हो सकती है। इसको देखें और पहचानने की कोशिश करें। हेलो आरजू, फैजान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, तुम प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। हेलो, आर यू रेडी? जैसा समझाया है वैसा करना। और आपको जानकर यह दुख होगा जैसिका कि ट्रॉलर का ड्राइवर गिरफ्तार हो गया और उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। बैड लक। मेरी बैड लक तुम्हारी गुड लक बन सकती है डिटेक्टिव रॉक। जो ऑफर मैं अभी तुम्हें देने जा रही हूं, इसे दुनिया का कोई भी अकलमंद इंसान रिफ्यूज नहीं करेगा। मेरे और फैजान के जाने की कीमत $10 मिलियन। जिस अकाउंट में कहते हो 10 मिनट में ट्रांसफर करवा देती हूँ। आदम से लेकर आज तक इस दुनिया में जो भी आया है, खाली हाथ आया और खाली हाथ ही गया। इसका मतलब है कि ये दुनिया लाहासिल है, सब कुछ तो ऊपर वाला है। I'm sorry. You kill one human, you kill the whole humanity. मैं तुम दोनों को आरजू के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं। In view of the evidence on record and circumstantial evidence found, the charge of conspiracy to murder is proved against both of you. You are convicted and sentenced for life imprisonment. एक साथ जी तो नहीं सके, एक साथ मरना तो पड़ेगा फैजान। मिस्टर फैजान, यू हैव अ विजिटर। We'll be right back.
आरजू, तुम जिंदा हो? क्यों, मुझे देख के हैरान हो रहे हो ना? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है फैजान, और जिनकी उम्मीद अल्लाह ताला से वाबस्ता हो वो कभी नाकाम नहीं होते, और जिनकी उम्मीद दुनिया वालों से वाबस्ता है वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होते। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं फोन सुनते ही गाड़ी लेकर निकली। अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, उसने मुझे गाड़ी से उतारा और गाड़ी लेके निकल गई, और मैं बच गई। दिल के टूटने की आवाज नहीं होती फैसा, मगर जब ये टूटता है ना तो सिलसिले आ जाते हैं। तुमने मेरे इस वजूद को पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, और इस वजूद को अभी मुकम्मल पाया भी ना था और इसे मिटाने चल पड़े। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इंसान के रूप में फरिश्ता मिला, डिटेक्टिव रॉक, जिसने मुझे बताया कि तुम्हारी मर्डर कंस्पिरेसी है। रॉक ने मुझसे कॉपरेशन मांगा और मैंने कॉपरेट किया, तब जाके मुझे असल सूरत हाल का अंदाजा हुआ कि ये तुम दोनों की प्लानिंग थी। नहीं आरज़ू, मैं तुम्हारे मर्डर में शरीक नहीं था। मुझे तो यहां तुम्हें देख के सुकून मिला है। अब अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुमने मेरे एतमाद को धोखा क्यों दिया फैजान? क्या ताल्लुक है तुम्हारा जैसिका के साथ? जैसिका से मेरी पहली मुलाकात ग्रीस में हुई थी, और कुछ ही अरसे में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती इस हद तक बढ़ गई कि हम एक साथ रहने लगे, और फिर हमने कुर्बत की वो तमाम हदें भी पार कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद जैसिका ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मैं बेबस हो गया। उसने कहा कि उसके पास मेरी बेटी है। मैं ये सारी बातें तुम्हें बताने वाला था, लेकिन जिस दिन मैं बताना चाहता था मुझे जैसिका ने इमरजेंसी कॉल करके बुलाया और बोला कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। आरज़ू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी? नहीं, लेट हो रहा हूँ, कल करता हूँ। टेक केयर। मैंने सोचा वापस आके बता दूंगा तुम्हें। जब वापस आया तो डिटेक्टिव रॉक ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुम यकीन जानो मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई। तब मैं समझा कि ये सारा खेल जैसिका का खेला हुआ है। फिर जब मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, जैसिका ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे छोड़कर गया तो वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती है। सिर्फ उस मासूम की खातिर मैं अंदर से टूट गया था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, अगर हो सके तो माफ कर देना। अगर मैं कोर्ट में जाके पेश हो जाऊं तो तुम दोनों बच सकते हो, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने कंस्पिरेसी की है इंसानियत के खिलाफ। लिहाजा तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को इससे सबक मिल सके।
मर्डर में शरीक नहीं था। मुझे तो यहां तुम्हें देख के सुकून मिला है। अब अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। चले तो वजूद है तू, दिल धड़के तो वजूद है तू, ख्वाब खिले तो वजूद है तू, ताबीर